तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और पता आज की वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बगल में पार्टी हो रही है। सात समुंदर पार चली मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है इस चैनल से पढ़ने के कारण, बट देखो तुम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं है और कहाँ जाओगे तुम लोग पढ़ने। मजाक कर रहा था। और भी बहुत सारे चैनल है आई नो। पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के विचार प्रकट किए थे इंटरव्यू के ऊपर, पर इस वीडियो में हम पूरे एक इंटरव्यू को ही पढ़ने वाले हैं। यह इंटरव्यू अम्बर्टो एको का है, अम्बर्टो एको नाम याद रखना। और जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो कि क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। अरे मैंने खुद 3-4 बार पढ़ा तब मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो ठीक है। एग्जाम में बस मुकुंद भी लिख दोगे तो तब भी काम चल जाएगा, ऐसा पूरा नाम लिखना जरूरी भी नहीं होता। और ये जो इंटरव्यूअर थे ना, ये द हिंदू से थे। द हिंदू एक न्यूज़पेपर कंपनी है जो कि अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, अभी भी तुम खरीद सकते हो। अम्बर्टो एको जो है ना, वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया के, जो कि इटली में प्रेजेंट है। बस इतना ही नहीं, वो स्कॉलर भी है फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, और साथ ही साथ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मीडिएवल एस्थेटिक्स के भी। देखो अगर कोई इंसान किसी एक चीज के अंदर स्कॉलर है ना, तो इसका मतलब उसे उस चीज के अंदर ज्ञान है, मतलब बहुत ज्ञान है। और वहीं अम्बर्टो एको तो 3 चीजों के स्कॉलर है। और साथ ही में उन्होंने बहुत सारी फ्रिक्शन स्टोरीज भी लिखी है। फ्रिक्शन का मतलब काल्पनिक होता है, वरना फिर बोलोगे लास्ट में कि वर्ड मीनिंग तो बताते ही नहीं हो। और देखो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ना कि जो ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि बहुत पुराने जमाने का कोई टेक्स्ट मिला तो उन सारे टेक्स्ट को देखकर उसके मीनिंग निकालना, इसको कहते हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। और मीडिएवल एस्थेटिक का मतलब होता है पुराने आर्ट को समझ के उसका मीनिंग निकालना। पुराने जमाने में लोग ऐसे रॉक के ऊपर बहुत सारे ड्रॉइंग्स नहीं बना देते थे, तो लोग उसको समझ नहीं पाते थे कि क्या बनाने का कोशिश किया गया है, क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, तो वो सब चीज में ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। और फिर जब वो ये सब चीज में मास्टर हो गए तो सोचे कि चलो अब स्टोरी भी लिख लेते हैं। और अगर तुम्हें गलत फहमी हो रहा है कि उन्होंने बस एक या दो ही तो स्टोरीज लिखी होगी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारी लिटरेरी फिक्शन, अकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक और भी बहुत सारी चीजें लिख के रखी थी। और ऐसा नहीं कि बस 50 पेज में बुक लिखा और निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स लिखी थी, मतलब कि बहुत मोटी मोटी बुक्स लिखी थी, और वो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज में अवेलेबल भी था। और फिर रिसेंट में, मतलब कि 1980s के टाइम में, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। उसने 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सोल्ड की थी, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे फ्रिक्शन राइटर भी थे। ये तो बहुत सारी बातें हो गई, चलो अब डायरेक्ट इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो इंटरव्यूअर है जिनका नाम मुकुंद है, वो पूछते हैं कि एक बार डेविड लॉज, जो कि बहुत बड़े इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अम्बर्टो एको एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। मतलब इतने सारी चीजों का स्कॉलर होना, साथ ही साथ फ्रिक्शंस बुक लिखना, वो भी बल्क अमाउंट में, जिसपे अम्बर्टो एको कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं घूम फिर के बस एक ही काम कर रहा होता हूँ। जिसपे मुकुंद पूछते हैं विच इज, मतलब कौन सा काम, जिसपे अम्बर्टो एको कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है समझाना, जैसे मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है जो मैं परस्यू करता हूँ, एंड मैं उसी को अपने एकेडमिक वर्क्स और नॉवेल्स में दिखाता हूँ, और साथ ही में मैं जब चिल्ड्रन बुक्स लिख रहा होता हूँ ना, तो उसमें भी मैं नॉन वायलेंस और पीस की ही बातें कर रहा होता हूँ। घूम फिर के मैं अपने फिलॉसफीज को ही अलग अलग वे में प्रेजेंट करता हूँ और अलग अलग बुक्स लिखता हूँ, या फिर कह सकते हो मैं हर जगह अपने फिलॉसफिकल इंटरेस्ट को ही फॉलो करता हूँ। उसके बाद एको ये भी कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं इतने सारे काम कर पाता हूँ। और फिर वो कहते हैं अगर तुम पूरे यूनिवर्स से सारे एम्प्टी स्पेसेस खाली कर दो, और एटम से भी तुम सारे एम्प्टी स्पेसेस खाली कर दो, तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये तुम्हारे फिस्ट जितना बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरली हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसे मैं यूज करता हूँ, और जिसका नाम मैंने दिया है इंटरस्टिक्स। जैसे वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे घर आ रहे होगे और मेरा घर अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में होगा, तो जब तक तुम ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पहुंचोगे तब तक मैंने एक नोवेल लिख लिया होगा। और ऐसे ही मैं अपने लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता हूँ। के बाद मुकुंद उनसे पूछते हैं कि नॉर्मली जो रिसर्च वर्क्स होते हैं, जो नोवेल्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते हैं, बट आपके जो नॉन फिक्शनल वर्क होते हैं उसमें एक पर्सनल टच दिखता है, वो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, या फिर कह सकते हो वो काफी प्लेफुल लगते हैं, तो आपकी ये जो अप्रोच है, इसे आपने कॉन्शियसली अपने वर्क में लाया, या फिर आप नेचुरली ही ऐसे प्लेफुल तरीके से बचपन से लिखते आ रहे हैं, मतलब क्या ये आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। जिसपे एको कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपने वर्क को अपने प्रोफेसर के सामने प्रेजेंट करा था, तो उनके प्रोफेसर ने कहा था कि जो नॉर्मली रिसर्चर होते हैं ना, वो पहले कुछ एज्यूम करते हैं फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल रिसर्चर होते हैं वो पहले कुछ एजम्पशन लेते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उस पर कंक्लूजन पे आते हैं, फिर उसे कुछ ठीक करते हैं, और आखिरी में जो कंक्लूजन आता है उसे अपने रिसर्च वर्क में लिखते हैं। लेकिन जो एको थे ना, वो अपने
अपने पूरे वर्क को स्टोरी के फॉर्म में लिखते थे, अपने ट्रायल्स और एरर्स सब चीज को इंक्लूड करके एक पूरे स्टोरी के फॉर्म में। इसलिए उनके जो रिसर्च वर्क्स थे ना, उनके प्रोफेसर को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगते थे, एंड उन्होंने उनका एक बुक पब्लिश भी कराया था। और एको के जो प्रोफेसर थे ना, वो एको को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते थे। इसलिए एको को 22 के एज में समझ में आ गया था कि वो जिस वे में, जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उसी वे में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें समझ में आ गया था कि जितने भी स्कॉलरी बुक होते हैं या जितने भी रिसर्च वर्क्स होते हैं, उन्हें ऐसी स्टोरी के फॉर्म में लिखना चाहिए और उसमें ऐसा ही एक नैरेटिव एस्पेक्ट भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सारे नॉन फिक्शनल वर्क्स को ऐसे ही लिखता हूं। और मैंने जो नॉवेल्स है ना, वो लिखना बहुत ज्यादा लेट में स्टार्ट करा था। उसके बाद वो अपने एक दोस्त का एग्जांपल लेते हैं, जिनका नाम था रोलैंड बार्थेस। काफी अजीब नाम है यार, बार्थेस, कोई बात। और जो रोलैंड थे ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। इको ने बताया कि जो रोलैंड थे ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो एक एसेस्ट थे, मतलब वो ऐसे लिखते थे बड़े बड़े, बट वो कभी भी नॉवेलिस्ट नहीं बन पाए। उन्हें क्रिएटिव राइटिंग का बहुत ज्यादा शौक था, उन्हें भी नॉवेल्स लिखने का बहुत मन करता था, लेकिन वो मर गए इससे पहले कि वो कोई क्रिएटिव राइटिंग कर पाते। फिर एको ये भी कहते हैं कि उन्हें इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कभी भी फील नहीं हुआ, और उन्होंने नॉवेल्स लिखना तो गलती से स्टार्ट कर दिया था। उनका कोई मोटिव नहीं था कि उन्हें नॉवेल्स लिखना है, जिसकी वजह से उनका जो नैरेटिव टेस्ट था, जो स्टोरी लिखने का उनका मजा था ना, वो अचानक से स्टार्ट हो गया, या फिर कह सकते हो उनका स्टोरी लिखने वाला वे अचानक से सेटिस्फाई हो गया। मतलब खुद देखो ना, पहले तो वो बिल्कुल रिसर्च वर्क्स लिखते थे, उन्हें नॉन फ्रिक्शनल के अलावा फ्रिक्शनल चीजें भी लिखनी थी, और अचानक से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद वो नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिए, और इसी कारण उनके अंदर जो कीड़ा था फ्रिक्शनल चीजों को लिखने का, वो बाहर आ गया। जिसके बाद मुकुंद पूछते हैं कि आपने जो रिसेंटली बुक लॉन्च करा है, जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इसके बाद आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है, आपने सिर्फ 5 ही नॉवेल्स लिखा है, और आपके जो नॉन फ्रिक्शनल वर्क्स है, मतलब आपके जो रिसर्च वर्क्स है, वो 20 से भी ज्यादा है। जिसपे एको कहते हैं 20 नहीं, 40 से भी ज्यादा। जिसपे मुकुंद कहते हैं ओवर 40। बताइए, आपने 40 से भी ज्यादा रिसर्च बुक्स लिख रखा है, लेकिन जब आप नॉर्मल लोगों से पूछेंगे कि अम्बर्टो एको कौन है, तो वो आपको नॉवेलिस्ट के नाम से ही जानेंगे। तो क्या ये चीज आपको परेशान नहीं करती है एको? जिसपे एको कहते हैं कि हाँ, लोग मुझे नॉवेलिस्ट के नाम से जानता है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान तो करती है, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही मानता हूँ, जो कि नॉवेल्स तो अपने फ्री टाइम में या संडे को ही लिखता है, और लोग उन्हें उनके हॉबी की वजह से जानते हैं, उनके एक्चुअल वर्क की वजह से नहीं जानते हैं। और साथ ही मैं कभी पेन क्लब्स या फिर राइटर की जो मीटिंग्स होती है ना, उन्हें कभी भी अटेंड नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं बस एकेडमिक मीटिंग्स और एकेडमिक कम्युनिटी की जो मीटिंग्स होती है, उसी में जाता हूँ और उन्हें ही अटेंड करता हूँ। पर फिर एको कहते हैं, हाँ ठीक है, बहुत बड़ी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि नॉर्मल लोग जाके मेरे रिसर्च वर्क्स को पढ़ेंगे, वो सभी नॉवेल्स ही पढ़ेंगे, और इसलिए ये चीज मुझे परेशान तो करती है कि लोग मुझे नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं, मेरे एक्चुअल वर्क की वजह से नहीं, लेकिन ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसके बाद मुकुंद पूछते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट बुक है, जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस नॉवेल है। जिस बुक की स्टोरी स्टार्ट तो होती है एक डिटेक्टिव के स्टोरी के साथ, बट फिर आगे चलकर आप मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री की भी बातें करने लगते हैं, बट फिर भी आपका ये लेटेस्ट बुक लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है और मास ऑडियंस इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। तो क्या आप इस बुक के सक्सेस को लेके पजल्ड है या फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड है? जिसपे एको कहते हैं, मैं इसके सक्सेस को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं हूँ, बट हाँ, जो जर्नलिस्ट है, जो पब्लिशर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उन्हें लगता है कि लोगों को डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है। फिर एको ये भी कहते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और अगर आप देखते हो तो मेरे बुक को बस 10 या 15 मिलियन लोगों ने ही खरीदा है, जो कि पूरे वर्ल्ड का कुछ बहुत ही छोटा सा पार्ट ऑफ पीपल को कवर करती है, मतलब कि स्मॉल परसेंट ऑफ रीडर्स को ही कवर करती है, पूरे वर्ल्ड में। और एक तरह से ये छोटा सा परसेंटेज उन्हीं लोगों का है जिन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद है, या फिर जो लोग कभी कभी डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फिर एको कहते हैं कि मैं खुद भी रात के 9 बजे के बाद मियामी वाइस या फिर इमरजेंसी रूम जैसे टीवी शोज ही देखना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे मजा आता है, लेकिन मैं उसे पूरे दिन तो नहीं देख सकता ना। वैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ रीडर्स होते हैं जिन्हें कभी कभी ऑकेजनली ऐसे बुक्स पढ़ना पसंद होते हैं जिससे उन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस मिले। जिसके बाद मुकुंद अपना आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आपके बुक में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बातें की गई है, इसलिए आपकी बुक इतनी ज्यादा फेमस हुई है? जिसपे एको कहते हैं कि मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हो सकता है। जिसके बाद एको एक इंसिडेंस बताते हैं जिसमें एक अमेरिकन पब्लिशर ने कहा था कि यहाँ का लोग इतने ज्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और वो जो अमेरिकन पब्लिशर थी ना, उन्हें मेरा बुक बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बुक का 3000 से ज्यादा कॉपी नहीं बिकने वाला है, मतलब मैक्सिमम 3000 कॉपीज ही बिकेगा, और हमारे कंट्री में तो लोग कैथेड्रल या फिर लैटिन स्टडीज पढ़ते ही नहीं है। कैथेड्रल एक रिलीजियस बुक या फिर वेबसाइट होगा? आई डोंट थिंक उस टाइम में वेबसाइट होता होगा। जिसपे एको कहते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 3000 कॉपीज ही रेडी रखी थी ताकि मैं अमेरिका में सेल कर पाऊं, बट एट लास्ट अमेरिका में इसके 2 से 3 मिलियन कॉपी सेल हुए थे,
जो कि उनकी सोची गई नंबर से बहुत ज्यादा थी, कहां 3,000 और कहां 30,00,000। इसलिए वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बस मेडिएवल हिस्ट्री के कारण ही उनकी बुक फेमस हुई, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने का ज्यादा इतना भी शौक नहीं है। साथ ही में वो कहते हैं कि उनके अलावा भी कई राइटर्स ने मेडिएवल हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी है, बट क्या वो इतनी ज्यादा फेमस हो पाई है? लेकिन मेरी ही बुक इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जिसके बाद एक को ये भी कहते हैं कि अगर मैंने इस बुक को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई होती। और ये बुक इस टाइम पे इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है, ऐसी मिस्ट्री जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। एंड ऐसे ये जो इंटरव्यू है ना, ये खत्म होता है एंड तुम्हारा चैप्टर भी खत्म होता है। एंड होप सो तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा बहुत ज्यादा गला खराब है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना पिछला वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा आवाज चेंज होगा एंड बहुत ज्यादा कट्स भी होंगे क्योंकि मैं लगातार नहीं बोल पा रहा हूं। बट वो सब छोड़ो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड तुमने से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हाय, माय नेम इज एनाबेल एंड वेलकम टू माय टी पार्टी। कुकी।